हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बची हुई चाशनी और आटे को मिलाकर बहुत ही अच्छी सी स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे इवनिंग स्नैक्स की तरह भी ले सकते हैं या फिर जब भी बीच में कभी भूख लगे तो आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। यहाँ मेरे पास थोड़ी सी बची हुई चाशनी है। जब भी हम घर में कुछ मीठा बनाते हैं चाशनी से, तो थोड़ा बहुत चाशनी उसका बच ही जाता है। तो इसी चाशनी को यूज़ करके आज मैं बनाऊंगी एक स्वीट सी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक कटोरी गेहूं का आटा। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे सूजी। सूजी मैंने चौथा हिस्सा लिया है, आधा कटोरी से भी कम है सूजी। इसके साथ ही इसमें डालेंगे मैदा। आधा कटोरी मैंने यहाँ मैदा लिया है। आप चाहें तो केवल गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। इसके साथ ही इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल, थोड़ा सा इलायची पाउडर, और अब हम इन सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी। तो यहाँ मैंने 4 चम्मच के करीब घी लिया है और इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप घी की जगह तेल भी यूज कर सकते हैं। और इन सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाशनी। चाशनी एक बार सारा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। हमें थोड़ा थोड़ा करके चाशनी डालेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ सख्त सा डो बनाकर रेडी करना है, तो इसलिए हम चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे। एक बार में डालने से ये गीला हो जाएगा। तो थोड़ा सा चाशनी और बच गया है यहाँ पर, तो उसे भी मैं ऐड कर लेती हूँ और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और हार्ड डो बिल्कुल रेडी हो चुका है बनकर। तो अब हम इसे ढककर रख देंगे 1 से 2 घंटा के लिए रेस्ट होने के लिए, ताकि हमारा सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। 1 से 2 घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो अब ये सूजी अच्छी तरह से इसमें फूल चुका है, तो एक बार हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आटों की लोई बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम एक लोई ले लेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से ऐसे लंबे लंबे शेप में बनाकर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सारे शेप्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब मैं इस तरह का सांचे का यूज कर रही हूँ। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है। तो इसके ऊपर अब हम सबसे पहले तेल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैंने तेल लगा दिया है इसके ऊपर। अब इसे हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए इसके ऊपर प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा करना है। बिल्कुल इस तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। मैं आपको एक दो और बनाकर दिखा देती हूँ। आप चाहें तो इसे गोल शेप में भी बना सकते हैं। जो भी शेप आपको पसंद हो, आप उस शेप में इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सांचा नहीं है तो आप इसे कैसे बनाएंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम इस तरह का कोई भी छन्नी ले लेंगे। ये तो सबके घर में अवेलेबल होता है। बस इसके ऊपर हम हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर शेप बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरह से मैंने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसे करेंगे डीप फ्राई। डीप फ्राई कर ही ये थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो इसके लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए गैस ऑन करके पहले ही रख दिया था। तो तेल हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। एक बार में कढ़ाई में जितने पीसेस आएंगे उतने डाल लेंगे हम फ्राई करने के लिए। ध्यान रहे गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो कोशिश करें कि इसे हाई फ्लेम पे ना फ्राई करें, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रख कर इसे फ्राई करें। और एक साइड से ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसे पलट देंगे ताकि दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे पलट पलट कर फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो अब मैंने दोनों साइड से इसे पलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। एक एक करके बहुत ही सावधानी से इसे निकालें, क्योंकि ये बहुत गर्म है और ये बहुत ही सॉफ्ट है अभी। तो इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है और अब बचे हुए बाकी पीसेस को भी हम फ्राई कर लेंगे।
इस रेसिपी को आप चाशनी की जगह चीनी से भी बना सकते हैं। तो चीनी से ये रेसिपी कैसी बनेगी तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर भी मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रिस्पी सा ये बना है, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सेम इसी तरह से हम सबको फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सभी को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जब भी आपको मन करे कुछ मीठा खाने का तो आप ये झटपट से बना कर रेडी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना और कमेंट्स करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।